आप कीजिए। भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। नमस्कार, सक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज शुभारंभ हो गया। नुनवान आधार शिविर से 2750 तीर्थयात्रियों के एक जत्थे को दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा मंदिर के लिए रवाना किया गया। यात्री बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना हुए। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए हर इंतजाम तो किए ही गए हैं, साथ ही उनकी सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं। वैसे भी इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या सामान्य से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि यह यात्रा करीब 3 साल के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि साल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान को रद्द किए जाने के बाद यात्रा बीच में ही स्थगित कर दी गई थी, जबकि साल 2020 और 2021 में कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था। 3 साल बाद अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रभाव साक्षी संवाददाता ने जब अमरनाथ यात्रियों से बात की तो सभी ने प्रशासन की ओर से किए गए इंतजामों को सराहा। फगवाड़ा के रहने वाला हूँ मैं। हम लोग पिछले काफ़ी सालों से तकरीबन 23 साल से हम लोग यात्रा कर रहे हैं। 23वीं यात्रा है हमारी। तो हम लोग जो पिछले सालों में हमने अरेंजमेंट्स देखे हैं उनके कंपैरिजन में इस बार जो अरेंजमेंट्स देखे हैं हमने, दैट इज़ फैबुलस, बहुत बढ़िया हैं। आर्मी अरेंजमेंट्स जो हैं, CRPF का जो सिस्टम है, वो स्ट्रेंथ उनकी देखी है हमने। सुबह आज जो देखा, जो अरेंजमेंट्स देखे हैं, तो बहुत बहुत ही बढ़िया है। तो पिछले सालों के कंपैरिजन में जो यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अरेंजमेंट्स हैं, उनमें बहुत बदलाव आया है। पिछले सालों में जब हम आते थे तो यहाँ पे अभी तैयारी शुरू भी नहीं होती थी। आज जब कल रात को हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, हमारे करीब 150 हमारे लोग यात्री हैं हमारे साथ में, तो हम लोग बसेज लेके आए हैं। तो वहाँ पे जो हमने आके यहाँ अरेंजमेंट्स देखे हैं, सब लोग कंप्लीट हो चुके हैं। शेड्स बन चुकी हैं, लंगर भंडारा चल रहा है। जिस लंगर भंडारे में हम रुके हुए हैं, ये श्री गंगानगर से हैं ये लोग, और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। और इनको हमेशा ये चिंता रहती है कि यात्रियों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। वॉशरूम्स का अरेंजमेंट नॉर्मली हमारे को यहाँ देखने का मिलता था, बहुत वर्स्ट होता था, बहुत ही बुरा होता था। हमारे को यहाँ वॉशरूम्स कभी भी, यूरिनल्स, टॉयलेट्स कभी भी ढंग के नहीं मिलते थे। इस बार जो हमने अरेंजमेंट्स देखे हैं, उनका शब्दों में बयान करना मुश्किल है, बहुत अच्छा है। और उम्मीद है कि जो इस बार सेंटर की तरफ से कुछ चेंजेस हुई हैं, जो सारा उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, पिछले 2 सालों में तो यात्रा हो ही नहीं पाई, कोविड की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो इस बार जो 3 साल के बाद ये यात्रा हुई है, इसमें बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में इस बार जो है वो सारा सिस्टम बहुत अच्छा है, और ये उम्मीद है कि अगले आने वाले सालों में और ये और भी बेहतर होगा। तो हमारी गवर्नमेंट से ये जो है, गवर्नमेंट से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो नॉर्मल लोगों को ये प्रॉब्लम जो हमने फेस की है, वो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे अगर कोई लोकल सिम लेना चाहता है आके, प्रीपेड सिम नॉर्मली यहाँ पे आके लेना पड़ता है, प्रीपेड यहाँ नहीं चलता है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है। यहाँ पे 450 का एक सिम दे रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनीज की वो इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं यात्रियों से, उनकी मजबूरी है। तो ओवरऑल अगर हम कहते हैं तो ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है इस बार एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। इस बार जो सारा सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका अरेंजमेंट भी पिछले दिनों के कंपैरिजन में इस बार चेंज हुआ है। वो लोग यूजली यहाँ पे हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन, जो हमारी हर्डल्स क्रिएट करते थे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, इस बार जो सारा कंट्रोल है वो आर्मी के हाथ में है, CRPF के हाथ में, डायरेक्ट फोर्सेज के हाथ में। पहले ये जो होता था ये J&K पुलिस के हाथ में, यहाँ की लोकल J&K की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हाथ में होता था। तो दे हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द J&K पुलिस एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस। बट इस बार जो हमारे को देखने में मिला है, यहाँ पे जो सारा कंट्रोल है वो फोर्सेज के अपने हाथ में है, जिस वजह से वो लोग काफी कोऑपरेटिव है। मेरा नाम दिनेश लड़ोइया है जी। हम रायसेन नगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, और यहाँ विगत 2015 से लंगर की सेवा दे रहे हैं, और हर वर्ष पूरी यात्रा समय में यहाँ लंगर लगाया जाता है, और यहाँ श्री
श्री शिव शक्ति सेवा दल जो श्रीनगर से हैं पुरुषोत्तम जी खिंदरी, उनके सहयोग से यह लंगर यहाँ लगाया जाए। मैं बहुत ज्यादा खुशी है और लोगों में इतना उत्साह है यात्रा के प्रति, और सबसे ज्यादा जो अब की बार प्रशासन ने यहाँ इंतजाम किए हैं वो बहुत काबिले तारीफ है, और सबसे बढ़िया सुरक्षा के इंतजाम है। हर डिपार्टमेंट जैसे RNB है, PWD है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, आपके SMC से हैं, सबका सहयोग हमें पूरा मिल रहा है। झांसी UP से नरेंद्र दुबे, मेरी जो 26वीं यात्रा है, मैं 1995 से बराबर आ रहा हूँ, 3 साल से भी यात्रा नहीं हुई है, इस साल फिर आया हुआ हूँ 26वीं यात्रा करने के लिए। अब भोले बाबा की कृपा है, अभी 2 दिन से परेशान हुआ है, लेकिन अब एक पता है कि वो नया नियम लग गया ना कि जो अंगूठा लग रहा है तो इधर पता चला यहीं लग जाएगा, जम्मू नहीं जाना है, तो अब हो गया कि दर्शन हो जाएंगे भोले बाबा के, तो हम लोग कल अंगूठा लगा के कल निकलेंगे। 30 तारीख का हमारा रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, तो हम लोग कल निकलेंगे, 25 लोग हैं हमारे साथ आने, तो उनकी अति कृपा है हमारे ऊपर, कल कहीं भोले बाबा के परसों दर्शन होते हैं तो और जब तक बुलाएंगे तो आते ही रहेंगे। मुजफ्फरपुर जिला बिहार से हूँ, राम नरेश शाह, पहली बार आया हूँ मैं, और बाबा भोले की कृपा से कल शाम को यहाँ पहुँचा, और रात को तो कोई आदमी हमको भाषा नहीं समझे, लोग पता उता नहीं बताया, तो हम कल आज सुबह बस पर चढ़ लिए थे रिटर्न वैष्णो माता को जाने के लिए, लेकिन बाबा का इच्छा हुआ तो एक आदमी आ करके हमारे बिहारी जो है बातचीत किया, तो हमको रजिस्ट्रेशन जो है से करवा दिया है, तो हम रुक गए हैं, और प्रभु की कृपा जितना जल्दी हो दर्शन दे दें हमें। सर 25-26 साल हो गए, ठीक है जी, तो हम 25-26 साल से आ रहे हैं, जो 2-3 साल आप कह रहे हो कि 2-3 साल यात्रा बंद रही है, ठीक है जी, तो हमें भी मगी अपने उम्मीद थी कि यात्रा कब खुलेगी, ठीक है जी, अब खुली है, हमें मगी बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है जी, और यहाँ पर आकर प्रशासन ने बहुत मगी अच्छा मगी अपने बंदोबस्त किया है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंचन, मैं हिमाचल से आई हूँ और मेरी 2nd यात्रा है, और काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया है इन्होंने, 3 साल से लॉकडाउन की वजह से बंद थी, बट अभी ठीक है, बहुत आनंद आ रहा है, थैंक यू। हम आपको बता दें कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने प्राकृतिक रूप से बने बर्फ लिंगम के ऑनलाइन दर्शनों की भी इस बार व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में स्थित राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भगवान अमरनाथ की पूजा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि श्रद्धालु दर्शन कर सकुशल अपने घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर और देश में अमन चैन और विकास की प्रार्थना की है। अमरनाथ जी की कृपा से सकुशल संपन्न हुई, देश भर के श्रद्धालु यात्रा के लिए आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव और बाबा अमरनाथ की कृपा से यात्रा सकुशल होगी और बाबा की कृपा से सभी लोग अच्छे से दर्शन करके सकुशल वापस जाएंगे। सर क्या प्रार्थना की सर आज पूजा में, अमन भाईचारा पूरे देश के लिए? स्वाभाविक रूप से एक तो यात्रा सफल हो, जो लोग आए हैं वो बाबा का दर्शन करके सकुशल वापस जाएं, जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास हो, और देश में भी सद्भावना का वातावरण हो, और भारतवर्ष तरक्की के पथ पर आगे बढ़े। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।